बिकनी किलर चार्ल्स शोबराज, सिर्फ नाम ही काफी है। 19 साल बाद जेल से रिहाई, नई जिंदगी की शुरुआत है या फिर अपराध की, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि चार्ल्स शोबराज को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। शोबराज की क्राइम कुंडली गवाही देती है कि उसके पीछे भारत, नेपाल, फ्रांस, थाईलैंड, ग्रीस और तुर्की समेत 9 देशों की पुलिस पड़ी थी। ऐसे में शोबराज की सत्य कथा किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं, जिसमें एक्शन, रोमांस, सस्पेंस, थ्रिल और एडवेंचर शामिल है। चार्ल्स ने अपराध की दुनिया में 19 साल की छोटी सी उम्र से कदम रखा। पहली दफा वो जेल गया और जब जेल से बाहर निकला तो वो एक शातिर अपराधी बन चुका था, जिसके लिए चोरी और मर्डर शगल बन गया था। फ्रांस और इस्तांबुल में अपराध को अंजाम देने के बाद चार्ल्स शोबराज ने 1970 के दशक में हिंदुस्तान का रुख किया और फिर यहाँ उसका नेटवर्क बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान और ईरान तक पहुँच गया। चार्ल्स शोबराज विदेशी कारें चुराने का शौकीन था। वो इम्पोर्टेड कारें चुराकर अमीरों को सस्ती कीमतों में बेचता था। इस जरिए उसका रसूखदार लोगों से मेल जोल भी बढ़ता रहा। इसी दौरान उसने दिल्ली के अशोका होटल में एक बड़ी लूट को अंजाम दिया। हालांकि दिल्ली से मुंबई के रास्ते वो कस्टम विभाग के हाथ चढ़ गया, लेकिन लूट का माल छोड़कर वो मौके से फरार हो गया। लेकिन कुछ समय बाद ही चार्ल्स शोबराज गिरफ्तार हो गया। उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 12 साल तक शोबराज तिहाड़ जेल में ही रहा, लेकिन इस बार वो जेल से ही फरार हो गया। जेल से भागने के बाद उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। उसके ऊपर फ्रेंच टूर पार्टी के 22 लोगों को ड्रग्स देने का आरोप लगा और एक ऐसे ही मामले में थाईलैंड में शोबराज को मौत की सजा मिली थी, लेकिन थाईलैंड में जान से बचने के लिए उसने दिल्ली में अपनी सजा बढ़वा ली, जिसके बाद वो 1997 तक भारत की जेल में रहा। हालांकि इसी बीच 1986 में शोबराज एक बार फिर जेल से भागने में कामयाब रहा, लेकिन जल्द ही वो दोबारा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद शोबराज की सजा पूरी हुई। तिहाड़ से छूटने के बाद चार्ल्स पहले फ्रांस और फिर नेपाल चला गया। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि शोबराज को बिकनी किलर भी बुलाते हैं, इसके पीछे भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है। दरअसल 1975 में शोबराज ने एक पर्यटक महिला की स्विमिंग पूल में हत्या कर दी थी। वो बिकनी में ही पूल में मृत पाई गई थी। और 70 के दशक में शोबराज ने दक्षिण पूर्व एशिया में 12 पर्यटकों को कत्ल किया था। इन सभी की मौत में एक बात कॉमन थी, वो ये कि वो सभी पानी में डूबने, गला घोटकर, चाकू से या जिंदा जलने से मर गए थे। दरअसल शोबराज उन महिलाओं को अपना शिकार बनाता जो घूमने की शौकीन होती थीं, और ऐसी महिलाओं से शोबराज दोस्ती कर उन्हें ड्रग्स देता और फिर रुपया, पैसा, सामान और पासपोर्ट चुरा लेता था। शोबराज ने अपने काले कारनामों में ऐसी ही टूरिस्ट लड़कियों को अपना शिकार बनाया था जो बिकनी पहनती थी। शोबराज बिकनी पहनने वाली लड़कियों की हत्या करता था, जिसकी वजह से वो बिकनी किलर के नाम से पॉपुलर हो गया। शोबराज की कुख्यात जिंदगी पर वेब सीरीज और फिल्में भी बनी हैं। 2015 में चार्ल्स शोबराज के ऊपर रणदीप हुड्डा की फिल्म मैं और चार्ल्स रिलीज हुई थी। नेटफ्लिक्स ने शोबराज के ऊपर द सरपेंट नाम से एक वेब सीरीज बनाई थी।